हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। हमारे चैनल राजपूत कंप्यूटर्स एंड डिजिटल हेल्प डेस्क 2.0 में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज बाबू है। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा जो UIDAI द्वारा अभी एक डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है वो अपडेट हो चुका है, और सभी UCL सेंटर या जो भी ECMP चलाते हैं यानी कि आधार पर काम करते हैं, या आप कोई बैंक में एज ए ऑपरेटर काम करते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और बहुत सारी चीजें अपडेट कर दी गई हैं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है जिससे आप अपना ब्लैकलिस्ट होने से बच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आपको कोई सा एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको वहां सर्च बार में टाइप करना है UIDAI, ठीक है? यानी कि UIDAI टाइप करेंगे या फिर आधार, सिंपली आधार कार्ड भी टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। और सभी भाई देखें, और जो भी भाई आधार अपडेट करवाना चाहते हैं उनके भी लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी आप किस प्रकार के डॉक्यूमेंट एनरोलमेंट सेंटर पर लेकर जाते हैं, तो इस लिस्ट को देखकर आप जाएंगे, तो आप यहाँ से देखना है। और जो भाई आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं उनको भी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। या आप इस लिस्ट के अनुसार आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं एनरोलमेंट सेंटर पर, तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा, ठीक है? आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में माई आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। सबसे लास्ट में देखेंगे अभी लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑन आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट्स 2023। ये अभी हमारी सारी लिस्ट खुल चुकी है। 26 जनवरी को ये अपडेट हो गया था, लिस्ट अपडेट हो गया है, नया आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड 0 से 5 ईयर्स, यानी कि जो चाइल्ड एनरोलमेंट करवाते हैं यानी कि 0 से 5 साल तक के आधार कार्ड जो बच्चों के बनवाते हैं, उसमें आप क्या डॉक्यूमेंट देंगे जिससे आपका आधार कार्ड बन एक ही बार में बने। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली एंड यानी कि वेस्ट एनरोलमेंट, यानी कि इसमें का जो एनरोलमेंट करवाते हैं तो उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट विथ HOF यानी कि फैमिली का आधार चाहिए होता है, माता या पिता में से किसी एक का आधार, ठीक है? बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे, देखेंगे आपको 5 साल से ऊपर वाले जो आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे दिए, ठीक है? लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट अबव 5 ईयर्स, मतलब जो 5 साल से ऊपर की एज के जो भी आधार बनवाना चाहते हैं या अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट, इस लिस्ट के अनुसार डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी ई पैन कार्ड भी एक आपका वैलिड है, यानी कि आपका इंटरनेट के माध्यम से आप ई पैन कार्ड डाउनलोड करके भी उसमें भी कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं उसे भी आप करवा सकते हैं। ओनली ये POE में चलेगा, और PO यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एंड आप पैन कार्ड से ओनली आप अपना नाम ही सही करवा सकते हैं। पहले डेट ऑफ बर्थ हो जाता था, अभी करेक्शन हो चुका है। अभी पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सही कर सकते, पैन कार्ड की कॉपी से आप डेट ऑफ बर्थ भी नहीं सही करवा सकते, ठीक है? इसी प्रकार आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना, और इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट इस वीडियो, इस लिस्ट में आ सकते हैं, और इस लिस्ट को ही देखकर आप आगे का काम करें और अपडेट करवाना चाहते हैं तो इस लिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कर लें। इसके बाद में आपको एनरोलमेंट सेंटर पे अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए लेके जाना है। और जो UCL संचालक हैं या फिर अदर कोई बैंक में भी आधार का काम कर रहे हैं बैठकर एज ए ऑपरेटर, इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप एज ए ऑपरेटर काम कर रहे हैं वहां पे, अगर आप गलत डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करते हैं तो आपकी ID सस्पेंड कर दी जाएगी, जो कि आप इनवैलिड सुपरवाइजर या ऑपरेटर के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार का आप काम ना करें, तो आप एक बार लिस्ट को जरूर चेकआउट कर लें, क्योंकि अभी नया लिस्ट आया है, 2 दिन हुए हैं, 2 दिन 3 दिन पहले ये अपडेट डाला हुआ है, ठीक है? UIDAI ने तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। जो भाई आधार बनवाना चाहते हैं या अपडेट करवाना चाहते हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो इस चीज के बारे में जानकारी लेकर अपना आगे का काम करवाएं, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, और इसी प्रकार की हमारे चैनल पर इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।